सो यारो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिलीप जोशी और आशीष मोदी के बीच में एक नए कंट्रोवर्सी के बारे में। हर कुछ टाइम में तारक मेहता के रिलेटेड कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो होता ही रहता है। इस बार एक न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में हमें पता चला है, तो फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो जानने के लिए पूरा वीडियो को देख लेना। सो रिसेंटली हमें न्यूज 18 के रिपोर्ट से ये पता चला कि कुछ महीने पहले यानी कि इस साल के अगस्त में दिलीप जोशी जो जेठालाल का रोल प्ले करते हैं और शो के प्रोड्यूसर आशीष मोदी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इस साल के अगस्त के स्टार्टिंग में दिलीप जोशी को कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए था, तो इसके रिलेटेड वो आशीष मोदी के साथ बात करना चाहते थे। तो दिलीप जोशी उस दिन चाहते थे कि वो आशीष मोदी के साथ सेट पे बात कर लेंगे, क्योंकि उस दिन आशीष मोदी सेट पे आने वाले थे। बेसिकली गोली का उस दिन लास्ट शूट था, यानी कि कुशा जो पहले गोली का रोल प्ले करते थे उनका लास्ट शूट था उस दिन। दिलीप जोशी सेट पे वेट कर रहे थे, तो कुछ टाइम वेट करने के बाद जब आशीष मोदी आए तब वो दिलीप जोशी सर को इग्नोर करके कुशा की तरफ चले गए। बट दिलीप जोशी सर को इसके बारे में बात करना था और वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट जब आशीष मोदी ने उनको इग्नोर किया तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। और एक टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा हो गया कि दिलीप जोशी ने जाके आशीष मोदी का कॉलर पकड़ लिया और उन्होंने धमकी दिया कि वो तारक मेहता शो को छोड़ देंगे। ये आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था। हालांकि लास्ट में आशीष मोदी ने दिलीप जोशी सर से बात करके उनको शांत कर दिया था। तो हाँ, कुछ महीने पहले आशीष मोदी और दिलीप जोशी के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट हो गया था। लास्ट कुछ टाइम से इस शो के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हर कुछ टाइम में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाता है और हर बार आशीष मोदी के रिलेटेड ही कंट्रोवर्सी हो रहा है। किसी ना किसी एक्टर के साथ उनका फाइट हो ही रहा है। बट इस बार ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि दिलीप जोशी इस शो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर है। उनके बिना ये शो चल ही नहीं सकता। और ये आशीष मोदी को भी अच्छे से पता है कि अगर वो दिलीप जोशी से फाइट करेंगे तो उनका नुकसान ही होने वाला है। आर्ग्यूमेंट में दिलीप जोशी ने आशीष मोदी का कॉलर तक पकड़ लिया था, बट फिर भी आशीष मोदी इतना शांत है क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो दिलीप जोशी के साथ फाइट करेंगे तो उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि वो अगर शो को गुस्से में छोड़ देते हैं तो शो भी कुछ टाइम में बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इस शो को नहीं देखने वाला। ज्यादातर लोग अभी भी दिलीप जोशी के लिए ही इस शो को देखते हैं, क्योंकि शो में तो अभी ज्यादा मजा नहीं रहा पहले की तरह। बाकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।